इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ। नया सिर्फ अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने 17 मई तक सिर्फ 42 लाख टन गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदा है, जबकि इस बार गेहूं का रकबा 190 लाख हेक्टेयर का था, जिस पर 180 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान था। लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते गेहूं का निर्यात बढ़ने, किसानों को सरकार से ज्यादा पैसा सीधे व्यापारियों से मिलने के कारण इस बार सरकारी खरीद में 67% तक घट गई है। व्यापारियों ने करीब 1 करोड़ टन गेहूं किसानों से खरीदा है, जो कि पिछले बार के मुकाबले 100% ज्यादा है। पिछले साल व्यापारियों ने किसानों से 50 लाख टन गेहूं खरीदा था। अभी किसानों को व्यापारी 2300 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान कर रहे हैं, जबकि सरकार MSP पर 2015 रुपए दे रही है, इसलिए किसानों का रुझान भी व्यापारियों की तरफ ज्यादा है। हालांकि सरकारी खरीद घटने के बावजूद सरकार के करीब 18,000 करोड़ रुपए बच गए। इस पैसे की बड़ी राशि निजी गोदामों के किराए पर खर्च होती है। इस बार कई सरकारी गोदाम खाली पड़े हैं। ऐसा 11 साल में दूसरी बार हुआ है जब सरकारी गेहूं की खरीद का बिल सबसे कम आया है। इससे पहले 2016-17 में सरकार ने 44 लाख टन गेहूं उपार्जन किया था। दूसरी सरकार के अचानक गेहूं निर्यात रोक देने से व्यापारियों के सामने दिक्कत आ गई है। उनका निर्यात होने वाला करीब 2 लाख टन गेहूं गोदामों या फिर बंदरगाहों पर अटक गया है। हालांकि सरकार ने 13 मई तक के तय निर्यात को अनुमति दी है, लेकिन व्यापारियों का कहना है इससे हालत नहीं बदलेंगे। तो ये तब तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।